गणेशाय नमः। श्री सरस्वते नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। जगद्गुरु नरेंद्राचार्य महाराज की जय। सद्गुरु काड़सिद्धेश्वर महाराज की जय। संत शिरोमणि गजानन महाराज की जय। आद्य जगद्गुरु रामानंदाचार्य महाराज की जय। सियावल्लभ रामचंद्र की जय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। सार्थ श्री ज्ञानेश्वरी अध्याय तीसरा। श्री राम तव हृदय कमळारामो जो योगी यांचा निष्काम कामो तो म्हणतसे पुरुषोत्तमो सांगे नाईक तरी हे काम क्रोधू पाही जयाते कृपेची साठवण नाही हे कृतांताच्या ठाई मानी जती। हे ज्ञाननिधीचे भुजंग विषय दरीचे वाघ भजन मार्गीचे मांग मारकजे हे देह दुर्गीचे घोड इंद्रिय ग्रामीचे खोड यांचे व्यवहादिक दबड जगावरी हे रजगुण मानसीचे समुळा सूर्येचे धालेपण ययांचे अविद्या केले हे रजाचे कीर जाहले परितमासी पडियते भले तेने निज पदया दिधले प्रमादमो कुंडली कवर दे श्री ज्ञान देव तुकाराम पंढरीनाथ महाराज की जय। जगद्गुरु नरेंद्राचार्य महाराज की जय। परम पूज्य जगतगुरु श्री के पावन चरण कमलों को साष्टांग वंदन करते हुए सत्संग में उपस्थित आप सभी श्रोताओं में स्थित ईश्वर को मैं प्रणाम करता हूं और इस सत्संग को सुनने वाले जितने भी जीव हैं उन सभी को मेरा सांप्रदायिक श्री गुरुदेव। अर्जुन कुरुक्षेत्र में भगवान श्री कृष्ण के समक्ष युद्ध नहीं करने की अपनी जीत पर अड़े हुए। भगवान श्री कृष्ण हर तरीके से उन्हें युद्ध करने के लिए प्रेरित करते हुए। हम सभी जानते हैं कि कुरुक्षेत्र का जो युद्ध है वो केवल 18 दिनों का था और गीता का जो ज्ञान भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिया वो उस वक्त अगर हम मिनटों के हिसाब से उसका गणित लगाएं या गिनती करें तो करीब करीब 45 मिनट का था। समय समय पर संत महात्माओं ने गीता के इस ज्ञान को सरल भाषाओं में हम तक पहुंचाने के लिए अलग अलग ग्रंथों का निर्माण किया और उसी में एक ग्रंथ संत ज्ञानेश्वर जी ने हमारे लिए लिखा जिसका नाम ज्ञानेश्वरी है। अर्जुन किसी भी प्रकार से युद्ध टालने की या युद्ध न करने की अलग अलग युक्तियां करते हैं और अलग अलग प्रश्न करके अपनी शंकाओं का समाधान कर रहे हैं।
इस सारी प्रक्रिया में अगर हम गौर से देखें, या जितने लोग इस सत्संग में हमेशा आते हैं वो अगर गौर करेंगे तो उन्हें यह पता चलेगा कि एक शंका का समाधान होते ही अर्जुन दूसरा प्रश्न उपस्थित कर देते थे। ये जो प्रश्न है ये हमारी जिज्ञासाओं को प्रदर्शित करता है। आज जो विषय या जो श्लोक या जिस पंक्तियों पर हमें इस प्रवचन को करना है उसके पहले मैं ये एक महत्वपूर्ण बात जो है वो आप सभी से कहना चाहता हूँ कि अध्यात्म के इस अति सुंदर अति महत्वपूर्ण जगत में अगर एक सबसे कीमती रत्न अगर कोई है बद्धों के लिए, मुमुक्षुओं के लिए या साधकों के लिए, तो वो है जिज्ञासा। आपकी जिज्ञासा जितनी प्रबल होगी उतने ही उत्तर, उतने ही समाधान गुरु के द्वारा आपको प्राप्त होते हैं। लेकिन इसमें यह जरूरी है कि जो प्रश्न आप पूछेंगे, जिस जिज्ञासा का समाधान आप गुरु से पूछेंगे, उसमें अर्थ होना चाहिए, उसमें तात्पर्य होना चाहिए, वो अध्यात्म से संलग्न होना चाहिए या ज्ञान से परिपूर्ण होना चाहिए, तभी उस प्रश्न की कीमत होती है। सहसा हम लोग जिंदगी में क्या करते हैं, हमारे दैनिक जीवन में जिस परिवार में हम जीते हैं, जिस समाज में हम जीते हैं, हम लोग अपना ज्यादा से ज्यादा समय ऐसे सवालों में, ऐसे प्रश्नों में बिता देते हैं जिनका कोई अर्थ नहीं। और इन प्रश्नों को करने के कारण जिन दुविधाओं को, जिन संकटों को या जिन लड़ाई झगड़ों को हमें झेलना पड़ता है, वो अनावश्यक ही हमारे जीवन के महत्वपूर्ण समय को नष्ट कर देते हैं, जो कि नहीं होना चाहिए। प्रश्न ऐसा हो कि जिससे ज्ञान की प्राप्ति हो, प्रश्न ऐसा हो कि जिससे मन की संतुष्टि हो, उस प्रश्न का जो महत्व है वो अध्यात्म के जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसीलिए मैंने इसे रत्न की उपाधि दी थी। तो हम भी ये बात ध्यान में रखें कि जब भी परिवार में, परिवार के सदस्यों से, समाज में, हमारे आसपास के लोगों से, गुरु से प्रश्न करें, तो उस प्रश्न में इस प्रकार का एक भाव, जो ज्ञान का भाव है, जो मन की संतुष्टि का भाव है, वो होना आवश्यक है। अनावश्यक प्रश्न करके हम लोग केवल संकट और दुख ही पा सकते हैं। उदाहरण के लिए अगर मैं कहूँ तो अगर पति काम से शाम को घर लौटा है, थका हुआ, मांदा हुआ, पैसा है, भूखा है, और आप उसके कुछ ज़्यादा देर होने पर घर का दरवाज़ा खोलते हैं, और दरवाज़ा खोलते ही पहला सवाल ये होता है, कहाँ थे अब तक? ये प्रश्न सामने वाले व्यक्ति के ऊपर क्या प्रभाव करता है, ये सोचना जरूरी है। इसी प्रकार के प्रश्न जब पति पत्नी से पूछता है जिनका कोई अर्थ नहीं, तब ये प्रश्न घर में क्लेश का माहौल पैदा करते हैं, हमारी सुख और शांति को भंग करते हैं। इसलिए इन प्रश्नों में, और अर्जुन जो प्रश्न वहां कुरुक्षेत्र में श्री कृष्ण से कर रहे हैं, इन प्रश्नों के अंतर को समझिए और ये समझिए कि हम अपना ज्यादा से ज्यादा समय किस तरीके से व्यर्थ और बर्बाद करते हैं। अर्जुन ने फिर प्रश्न किया कि हे माधव, कर्मयोग के माध्यम से अगर ज्ञानी हो मनुष्य, या ज्ञान से अगर ज्ञानी हो मनुष्य, तो मैंने ऐसे ज्ञानियों को भी अपने मार्ग से अवरुद्ध होते हुए देखा है, विचलित होते हुए देखा है, उन्हें अपने मार्ग से भटकते हुए देखा है, उसका कारण क्या है? ऐसी कौन सी शक्ति है जो इन ज्ञानियों को भी अपने उद्देश्य से, अपने ध्येय से भ्रमित कर देती है? इस प्रश्न को पूछने के पीछे अर्जुन के दो अर्थ थे, दो मतलब थे। ज्ञान मार्ग और कर्म मार्ग, दोनों से ही श्री कृष्ण ने उन्हें यह समझा दिया था कि अगर तुम कर्मयोग को पूरी तरीके से करते हो तब भी तुम ब्रह्म में लीन हो, मुक्ति के भोक्ता होगे। अगर ज्ञान को प्राप्त करते हो तब भी तुम मुक्ति के भोक्ता होगे, क्योंकि जो कुछ हूं वो मैं हूं, अर्थात परब्रह्म हूं, ज्ञान भी मैं ही हूं, कर्म भी मैं ही हूं, इसलिए तुम जो भी करोगे तुम आकर के मुझी में विलीन होगे। ये जब भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें समझाया, तब उन्होंने प्रश्न किया कि ज्ञानी मैं हो जाऊंगा या मैंने ज्ञानियों को देखा है?
जो ज्ञान मार्ग से या कर्म मार्ग से ज्ञानी तो हो जाते हैं, लेकिन ज्ञानी होने के पश्चात भी आप तक पहुंचने के बजाय वो रास्ता भटक जाते हैं या अपने उद्देश्य से भ्रमित हो जाते हैं, इसका कारण क्या है? अभी इस सत्संग में हम लोग गीता पर प्रवचन सुन रहे हैं और गीता के इस श्लोक में अर्जुन ने इस प्रश्न को पूछा है, इसलिए ये प्रश्न यहाँ उपस्थित हुआ। लेकिन मैं समझता हूँ हमारे सद्गुरु ने, परम पूज्य जगतगुरु श्री ने इस प्रश्न के उत्तर अपने प्रवचन के माध्यम से हमें सैकड़ों बार दिए। हमारे सद्गुरु ने हमसे हमेशा ये कहा है कि मनुष्य जो है वो अष्टधा प्रकृति से बना हुआ है, पांच तत्व और तीन गुण, रज तम और सत्व। इन आठों तत्वों में से किसी भी एक तत्व के कम हो जाने या किसी तत्व के कम हो जाने का प्रश्न ही नहीं उठता जब तक इस शरीर को मनुष्य ने धारण किया है, जीव ने धारण किया है, ये आठ तत्व उसके साथ ही रहते हैं। यानी रज तम और सत्व ये तीनों गुण मनुष्य में रहते ही हैं, स्थित हैं। लेकिन अगर मनुष्य गुरु मार्ग में है, मनुष्य अगर गुरु की कृपा दृष्टि में है, मनुष्य अगर गुरु की सेवा में है, तो उसकी सात्विकता बढ़ने के कारण रज और तम इन दोनों गुणों को जो है सत्व जो है वो दबा कर रखता है, लेकिन समाप्त नहीं करता। अर्थात रजोगुण और तमोगुण के जो भी दोष हैं, जो काम क्रोध मोह और अहंकार हैं, ये मनुष्य के अंदर कहीं ना कहीं स्थित होते हैं, उनकी मात्राओं में फर्क पड़ता है सात्विकता बढ़ने से। सात्विकता जब बढ़ेगी तब ये दोनों गुण दबे रहेंगे, और जैसे ही मनुष्य की सात्विकता कम होती है, इनमें से कोई भी गुण किसी भी वक्त अपना मुंह उठा सकता है, ऊपर आ सकता है। लेकिन यहाँ श्री कृष्ण ने काम को महत्व दिया है। काम, कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, हमारे ज्ञान के ऊपर, जिस ज्ञान की हम बात कर रहे हैं, जो ईश्वर, जिस परब्रह्म से मिलने के ज्ञान को हम प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं, इस ज्ञान के ऊपर काम और क्रोध रूपी आवरण लगे होते हैं। इन आवरणों को भेद करके हमें ज्ञान को प्राप्त करना होता है, और ये काम ये ऐसी वस्तु है जिसकी कभी संतुष्टि नहीं होती, जो कभी संतुष्ट या कभी खत्म नहीं होता। काम की संतुष्टि न होने पर उसकी असंतुष्टि के कारण क्रोध निर्माण होता है, यानी रजोगुण तमोगुण में प्रवाहित होता है, और इसी कारण मनुष्य किसी भी समय अपने इस ज्ञान मार्ग से भटक सकता है। एक बड़ी ही अच्छी कथा मुझे इस वक्त याद आती है, मुझे बताना आवश्यक मैं समझता हूँ यहाँ पर। राजा विक्रमादित्य का नाम आप सभी ने सुना होगा। लेकिन पहले हम ये जो काम है उसके बारे में जरा विश्लेषण करना चाहते हैं जी। काम बोला कि हमारे सामने एक ही आता है, विशेषु यानी संभोग। इधर भगवान कृष्ण को ये काम के बारे में नहीं बोलने गए, इधर काम को कामनाएं ऐसा उद्देश्य लेकर हमें आगे जाने का है, नहीं तो क्या हो जाएगा, गैर समझ हो जाएगा। काम यानी ये विशेष सुख मिलना ही चाहिए, नहीं मिला तो हमारी भूख कम हो जाएगी और हम क्रोधिष्ट हो जाएंगे, ऐसा अर्थ इधर नहीं निकलना चाहिए। जैसा मराठी में ऐसे बोला जाता है कि हमारे में दो मी छुपे हुए हैं, एक मी से अहंकार निर्माण हो जाता है और दूसरे मी से स्वरूप का ज्ञान हो जाता है। दोनों को मी ही बोला जाता है मराठी में, बोलते समय लोग बोलते कि अपने में जो मी है वो जागृत करो। मी का अर्थ है इधर हम, तो ये जो मी है, एक मी से अहंकार का निर्माण हो जाता है और दूसरे मी से, दूसरे मी का शोध लिया तो दूसरे मी से स्वरूप का ज्ञान हो जाता है, यानी आत्मज्ञान होता है। ये जैसे दोनों का अर्थ भिन्न भिन्न है और दो दिशा का है, एक उत्तर और एक दक्षिण, वैसे इधर एक काम है। काम यानी संभोग और काम यानी कामनाएं, इच्छा, अनेक प्रकार के कार्य करने की इच्छा।
ऐसा इधर अर्थ पकड़कर आगे जाना चाहिए। चलिए आप आगे चलिए। राजा विक्रमादित्य, इनके बड़े भाई भर्तरी जो उज्जैन के राजा थे, उनकी पत्नी पिंगला, इनकी दो पत्नियां थी, उसमें एक पत्नी का नाम पिंगला था। भर्तरीनाथ बहुत ही अच्छे लेखक, बहुत ही अच्छे कवि और एक ज्ञानी व्यक्ति थे, लेकिन साथ ही रजोगुण के भीतर, रजोगुण के कारण उन्हें स्त्री संघ का एक दुर्गुण था। अपना राज्य कारोबार अच्छे से चला रहे थे, एक दिन कुछ स्त्रियों के साथ अपने दरबार में बैठे, तभी उनकी पत्नी पिंगला वहां गुस्से से तमतमाती हुई आई और वो राजा भर्तरी से पूछती है कि मेरे महल की जो सुरक्षा है वो मुझसे पूछे बगैर कैसे हटा दी गई। राजा भर्तरी कहते हैं, मैंने तो नहीं हटाई, किसने आदेश दिया कि आपके महल के पास जो सुरक्षा है उसे बदला जाए। पूछताछ की गई तब पता चला कि विक्रमादित्य ने उनके महल के आसपास की जो सुरक्षा थी, जो सुरक्षाकर्मी थे, उनको हटा करके नए सुरक्षाकर्मी वहाँ नियुक्त किए थे। पिंगला ने इस विषय को काफ़ी गंभीरता से लेते हुए विक्रमादित्य को राजा भर्तरी के सामने प्रस्तुत होने के लिए कहा। जब राजा भर्तरी ने विक्रमादित्य से प्रश्न किया कि तुमने किससे पूछकर और क्यों रानी के महल के सैनिकों को बदला, उनके सुरक्षा कर्मियों को बदला, तब विक्रमादित्य ने कोई उत्तर नहीं दिया, वे शांत खड़े रहे। लेकिन पिंगला ने तभी उनके ऊपर एक आरोप लगा दिया। पिंगला ने यह कहा कि राजन, तुम्हारे भाई की कुदृष्टि मुझ पर है, इसलिए उसने उन सुरक्षाकर्मियों को हटाकर अपने जो सुरक्षाकर्मी हैं उनको वहां तैनात किया। भर्तरी एक कोमल हृदय के राजा थे, लेकिन फिर भी उन्होंने इस बात को सुनते ही अपने भाई विक्रमादित्य को राज्य छोड़कर चले जाने के लिए कहा। वे क्रोध में इतने तमतमा गए कि उन्होंने बगैर कोई विचार किए विक्रमादित्य से कहा कि तुम इसी वक्त राज्य छोड़कर निकल जाओ। विक्रमादित्य ने कोई प्रश्न नहीं किया, वे राज्य छोड़कर निकल गए। कहानी थोड़ी बड़ी है, मैं संक्षिप्त में बताता हूँ। जब विक्रमादित्य राज्य छोड़कर जाने लगे तब उनके प्रधान उनके पास पहुँचे और उन्होंने कहा कि विक्रम, तुम मुझे बताओ कि वास्तविकता क्या है, क्योंकि मैं तुम्हारा भी मित्र हूँ और मैं भर्तरी का भी मित्र हूँ, तो मुझे बताना आवश्यक है। विक्रमादित्य ने उन्हें अपना अच्छा मित्र मानते हुए उन्हें सच्चाई बताई और विक्रमादित्य वहाँ से चले गए। दो दिन के बाद प्रधान राजा के पास गए। राजा भर्तरी से उन्होंने कहा कि राजन, एक पहुंचे हुए ब्राह्मण आए हैं और आपसे मिलने की आशा रखते हैं। राजा भर्तरी ने कहा, उन्हें अंदर भेज दो। एक ब्राह्मण एक झोला लिए हुए राजा भर्तरी के सामने आया और उस ब्राह्मण ने कहा कि राजन, मैं आपसे जो कुछ भी कहना चाहता हूँ वो एकांत में कहना चाहता हूँ। राजा भर्तरी ने सभी को उस कक्ष के बाहर भेजा, तब ब्राह्मण ये कहने लगा, अपनी झोली से एक फल निकाला और उस फल को दिखाते हुए उसने कहा कि राजन, ये वेदों से अभिमंत्रित एक फल है और इस फल को अगर आप खाते हैं तो आपको चीर यौवन प्राप्त होगा, यानी आपको कभी वृद्धावस्था नहीं आएगी। भर्तरी इस पर विश्वास नहीं करते, लेकिन ब्राह्मण कहता है कि आप इसे पहले इस्तेमाल करके देखिए, अगर आपको ये सही लगता है तभी आप दक्षिणा में मुझे कुछ दीजिएगा, अन्यथा आपको जो भी सजा मंजूर हो आप मुझे दे सकते हैं। ब्राह्मण वो फल दे करके चला गया। राजा भर्तरी ने फल लिया और उसने सोचा कि अगर ये फल खा करके मैं चीर यौवन प्राप्त कर सकता हूँ तो मैं अपनी पत्नी पिंगला को ये फल क्यों न दूँ, क्योंकि मैं उसे बहुत प्रेम करता हूँ। और ये सोच करके वो फल राजा भर्तरी ने अपनी पत्नी पिंगला को ले जा करके दिया और कहा कि तुम ये फल खा लो जिससे तुम्हें चीर यौवन प्राप्त होगा और मैं अधिक देर तक तुम्हारा प्रेम पा सकूँगा। पिंगला ने कहा कि कल दोपहर को शिव पूजा करने के पश्चात मैं इस फल को ग्रहण करूँगी, और ऐसा कहकर वो राजन वहाँ से चली गई। उस दिन रात्रि को राजा रसमंजीरी नामक एक स्त्री के साथ उसके सहवास में कहीं बाहर थे महल के, और ये बात पिंगला जानती थी। दूसरे दिन सुबह क्या हुआ, दूसरे दिन सुबह जब दूसरे महल में राजा नींद से जागे तब रसमंजीरी जो स्त्री उनके साथ थी उसने वही फल लाकर के राजा को दिया और उनसे कहा कि राजन, आप ये फल खा लीजिए जिससे आपको चीर यौवन प्राप्त होगा, और ये फल मैं आपको इसलिए दे रही हूँ क्योंकि मैं आपसे बहुत प्रेम करती हूँ। और वो फल देख करके राजा की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई, आग बबूला और सोचने लगा
कि ये फल इसके पास कैसे आया, क्या हुआ था। राजन ने जब वो फल रानी पिंगला को दिया, राजन के जाने के पश्चात रानी पिंगला ने वो फल अपने द्वारपाल को दिया। द्वारपाल ने वो फल एक दासी को ले जा करके दिया, दासी ने वो फल सेनापति को ले जा करके दिया, और सेनापति ने वो फल ले जाकर रसमंजरी को दिया, और रसमंजरी ने वो फल ले जाकर राजा को दिया। तात्पर्य क्या है, हम अपनों से जिन्हें हम अपना समझते हैं, जिन्हें हम प्रेम करते हैं और जिससे हम अत्यधिक कामनाएं रखते हैं, प्रेम की अपेक्षाएं रखते हैं, क्या वो भी हमारे प्रति उतना ही प्रेम करते हैं, हमारे प्रति उतनी कामनाएं रखते हैं, ये समझना जरूरी है। भर्तरी के ध्यान में आया कि जिस पर मैंने अपने जान से ज़्यादा प्रेम किया वो किसी और से प्रेम करती है, वो जिससे प्रेम करती है वो किसी और से करता है। तात्पर्य ये है कि हे अर्जुन, अगर तुम इन रिश्तेदारों के मोह से, इनकी कामनाओं से युद्ध करने के लिए टाल रहे हो या युद्ध से भाग रहे हो, तो ये सोचो कि क्या उनके मन में भी तुम्हारे लिए उतना ही प्रेम है, तुम्हारे लिए उतनी ही कामनाएं हैं। ऐसा नहीं है, उनकी कामनाएं केवल राज्य और संपत्ति के लिए है, और उन कामनाओं के लिए, ऐसे कृत्य के लिए उनके साथ युद्ध होना आवश्यक है। ये एक तथ्य था जो मैंने आपको कुरुक्षेत्र में कृष्ण के जो ज्ञान उन्होंने अर्जुन को दिया उससे जोड़ करके दिखाया। तो काम और क्रोध ये व्यक्तियों को किस तरीके से जगड़ते हैं और ज्ञानी व्यक्तियों को भी किस तरीके से अपने रास्ते से परावृत्त करते हैं, ये समझना और सोचना आवश्यक है, क्योंकि यही दुख का कारण है। और दुख, इस संसार का सबसे बड़ा दुख क्या है, हम लोग, हर व्यक्ति अपने आप का जो दुख है उसे सबसे बड़ा समझता है, लेकिन इस संसार का सबसे बड़ा दुख क्या है, अगर किसी ने चिंतन करके, मनन करके इस प्रश्न का उत्तर खोजा हो, तो मैं समझता हूँ उसे केवल एक ही उत्तर प्राप्त होना चाहिए कि मनुष्य देह लेकर जन्म लेना यही सबसे बड़ा दुख है। क्योंकि आज तक हम जन्म मरण के फेरे में केवल मनुष्य देह लेकर जन्म ले रहे हैं, इसका मतलब हम आज तक अज्ञानी हैं, हमने उस ईश्वर को नहीं जाना, हमने उस ब्रह्म को नहीं जाना, हमने अपनी आत्मा को नहीं जाना, और यही सबसे बड़ा दुख है। अगर हम जान लेते तो न निर्देह प्राप्त होता और न ही हम दुखों के सामने जाते। लेकिन ऐसा होते हुए भी दुखों से न डरते हुए हर व्यक्ति को दुखों के आगे बढ़ना चाहिए। भगवान कृष्ण इसी के साथ अर्जुन को इस काम और क्रोध को नियंत्रित रखने के लिए, इससे बचने के लिए क्या करना चाहिए, इसका उपाय भी बता रहे हैं। कृष्ण कहते हैं कि काम और क्रोध का निवास मनुष्य की इंद्रिय, मन और बुद्धि में होता है। तो हे अर्जुन, जो व्यक्ति अपनी इंद्रियों को वश में रखता है वो इन पर विजय पा सकता है या इन्हें निरंतर में रख सकता है, इसलिए अपनी इंद्रियों को अपने वश में रखना अति आवश्यक है, क्योंकि इंद्रियों से श्रेष्ठ मन और मन से श्रेष्ठ बुद्धि है, और इन तीनों से अगर कोई श्रेष्ठ है तो वो है आत्मा। लेकिन व्यक्ति आत्मा तक पहुँचने के पश्चात भी इंद्रियों के कारण इन विषय सुखों की तरफ आकर्षित हो सकता है, और इस आकर्षण के कारण वो अपने पथ से भ्रष्ट हो सकता है, कुमार्ग पर जा सकता है, इसलिए मनुष्य को चाहिए कि वो अपनी इंद्रियों को वश में रखे। हमने कर्म मार्ग के इस अध्याय को पिछले कई सत्संग से सुना है। पिछले प्रवचन में मैंने आपसे एक बात कही थी कि अगर आपको ज्ञान मार्ग और कर्म मार्ग में आपने जो कुछ भी सुना है इसका प्रत्यक्ष उदाहरण, इसका प्रत्यक्ष अनुभव अगर देखना है तो अपनी आंखें बंद कीजिए और हमारे जगतगुरु श्री को याद कीजिए, उनके कार्यों को याद कीजिए। कर्म क्या है, कर्म योग क्या है, आपके सामने आईने की तरह साफ हो जाएगा। फिर भी मैं आपको कुछ बातें बताना चाहूँगा। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि ज्ञानी को अपना स्वधर्म करते रहना चाहिए, भले ही वो आत्मज्ञान की प्राप्ति कर ले, लेकिन फिर भी वो कर्म किए बगैर नहीं रह सकता, लेकिन उसका जो कर्म है वो लोक कल्याण या समाज कल्याण के लिए होना चाहिए। श्रोताओं, मेरे गुरु बंधुओं, स्वामी जी की तरफ जब हम देखते हैं, जगतगुरु श्री ने क्या किया, ज्ञानी होने के पश्चात उन्होंने अपना सारा जीवन लोक संग्रह और लोक कल्याण के लिए दिया है, इसके प्रत्यक्ष उदाहरण आप देखते हैं। 20-20 घंटे काम करके 300 किलोमीटर की यात्रा करके प्रवचन दर्शन के जो समारोह वो आयोजित किए जाते हैं, वहाँ हजारों लोगों को बुला करके
अध्यात्म की ओर, ईश्वर की ओर आने का रास्ता दिखाना, भक्ति करने के लिए प्रेरित करना, ये ज्ञानी व्यक्ति का काम है, ये कर्मयोग है। जो लोग अपने व्यवसाय में धन कमाते हैं, जो लोग अपने कार्यों में सफल हैं, जिन लोगों ने नाम कमाया है, धन कमाया है, प्रतिष्ठा कमाई है, उन लोगों को वो कार्य करते रहने की प्रेरणा देना और उनके धन से, उनके धन को सत्कर्मों में लगा करके उनके लिए पुण्य अर्जित करना, ये काम स्वामी जी दुर्बल घटक पुनर्वसन के माध्यम से करते हैं। उन लोगों को पता भी नहीं होता कि उनका धन किसी पुण्य कार्य के लिए इस्तेमाल किया गया है। लेकिन जो ज्ञानी हैं वो अपने कर्मयोग से ऐसे अज्ञानियों को भी सत्कर्मों में किस तरीके से लगाते हैं, ये हम स्वामी जी के इन कार्यों से समझ सकते हैं। जो ज्ञानी हैं वो अपने कर्म से, वो सिर्फ खाली नहीं बैठे हैं, उन्होंने अपनी इंद्रियों को शांत नहीं किया है, उन्होंने कई ग्रंथ लिखे, लोगों को प्रेरित किया, 10 मिनट की भक्ति और स्वप्न में भी किसी का बुरा न सोचने का एक मंत्र दिया, जिसके माध्यम से आज बद्ध से बद्ध जो है हमारे इस संप्रदाय में जो लाखों भक्त हैं, इनमें कई बद्ध हैं, कई मुमुक्षु हुए, कई साधक हुए, लेकिन इन सभी को उस परब्रह्म की ओर ले जाने का कार्य ऐसे कर्मयोगी ही कर सकते हैं। और कर्मयोग को अगर समझना है तो हमारे गुरु के एक एक वाक्य, एक एक शब्द और एक एक कार्य को अगर आप गौर से देखेंगे तो मैं समझता हूँ किसी को गीता पढ़ने की जरूरत नहीं। आप अपनी आँखों से देखिए, आप अपने मन से उसे महसूस कीजिए और कर्मयोग को समझिए कि कर्मयोग क्या है। और जिस तरीके से हमारे सद्गुरु कहते हैं, जिस प्रकार हमारे सद्गुरु कहते हैं कि हमें जीवन कैसे व्यतीत करना चाहिए, उनके द्वारा कहे गए एक एक शब्द को, एक एक वाक्य को अगर हम अपने जीवन में उतारते हैं तो मैं समझता हूँ गीता के साथ जितने भी ग्रंथ जिन महात्माओं ने लिखे हुए हैं, उन सारे ग्रंथों का ज्ञान और उनका रस हम अपने अंदर उतार सकते हैं। वास्तविकता में हमें ग्रंथ लेकर के पढ़ने या उन्हें कंठस्थ करने की जरूरत नहीं है, केवल हम इन सूत्रों को, इन महामंत्रों को अपने जीवन में चरितार्थ करते चलें, इन्हें आत्मसात करते चलें, तो हम सभी का जीवन धन्य हो सकता है और हम सभी एक दिन मुक्ति के मार्ग पर या मुक्ति तक पहुँच सकते हैं। इसी आशा के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। श्री गुरुदेव। जगत गुरु नरेंद्राचार्य महाराज की जय। सद्गुरु काल सिद्धेश्वर महाराज की जय। संत शिरोमणि गजानन महाराज की जय। आदि जगत गुरु रामानंदाचार्य महाराज की जय। श्री वल्लभ रामचंद्र की जय।